इन दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर P, Q, R और S से डिनोट कर दूँ। तो पहले हम P फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, इसमें हमारे पास क्या आएगा, पहले ये वाली रो को हम करेंगे इस वाली रो से मल्टीप्लाई, तो P आएगा। तो जीरो को मैं फोर से करूंगी तो जीरो इंटू फोर, प्लस सेवन को फाइव से करूंगी तो सेवन इंटू फाइव, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही आ जाएगा तो सेवन। फॉर क्यू के लिए इसको हम अब नेक्स्ट रो से करेंगे, तो क्यू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो इंटू टू प्लस सेवन इंटू माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सेवन। अब हम लेते हैं आर के लिए, आर के लिए हम करेंगे इसको इससे, तो माइनस नाइन इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फाइव, तो नाइन नाइन फोर जा माइनस थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टीन, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन। और एस के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को करेंगे इस वाली से, तो माइनस नाइन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन, तो नाइन टू जा माइनस एटीन माइनस थ्री, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन। तो अल्टीमेटली जो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा थर्टी फाइव माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन।